हम लोगों के साथ हैं। सर पहले तो बताइए कि जो नया आवास मिला है कोई समस्या तो नहीं है उसमें ना? नहीं, नया आवास क्या, आवास तो कहीं भी हमको देंगे, हम रहने लेते आते थे, आवास को लेकर कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बात है कि जो आवास हमको दिए गए थे वो आवास खाली हुआ दो दिन पहले, और खाली होकर रंग रोगा नहीं हुआ, उसके पहले पुलिस भेज दिया मेरे यहाँ, इसके लिए कोई विरोध था, आवास को लेकर कोई विरोध नहीं था। विधायक जी, अभी जैसे सदन में इतना हंगामा कर रहे हैं आप लोग अलग अलग विषय को लेकर, सदन कैसे चलेगा, कैसे बाधित हो रहा है? हेमंत सोरेन जी की जब विपक्ष में थे तो 2.5 साल सदन नहीं चलने दिए थे रघुवर सरकार में। हम तो मर्यादित तरीके से बात उठा रहे हैं, क्या नियोजन नीति की बात उठाना गलत है क्या? नियोजन नीति को रद्द कर दिया सरकार ने, ये बात उठाना गलत है क्या? रोजगारों के युवाओं का रोजगार से संबंधित बात उठाना क्या गुनाह है क्या? लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठाना गुनाह है क्या? जनता की मूलभूत समस्याओं को उठाना गुनाह है क्या? अगर हम लोग विपक्ष में आवाज़ उठाएं तो भाई मुख्यमंत्री जवाब दें, सदन के नेता हैं, जवाब क्यों नहीं दें, क्यों जवाब से भागना चाहते हैं वो? इसलिए गलत तो सरकार है, सरकार नहीं चाहती सदन चले, सरकार के एक भी मंत्री नहीं चाहते हैं सदन चले, जवाब उनको जवाब देना पड़ेगा भाई। हम लोग के सवाल का जवाब दे दें फिर सदन चलेगी, जवाब नहीं दे रहा इसलिए सदन में बाधित तो खुद सरकार करवा रही है।